हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पहले पार्ट में जो मैंने आपको स्कार्प बनाना बताया था, अब हम इसकी स्ट्रिप्स बनाएंगे, जो जिसको डोरी बोलते हैं, बांधने के लिए बनेगी इसके, तो उसको हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने इसमें 12 स्टिचेस डाल लिए हैं। 12 स्टिचेस डालने के बाद हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए, ऐसे हमने इसको पहले स्टिच को बनाया उल्टा, फिर ऐसे ऐसे हमने ये सिलाई अपनी पूरी उल्टी बना लेनी है। फिर हम आ गए हैं सिलाई की दूसरी साइड। अब हमने इस सिलाई को भी हमने उल्टी बना लेना है। देखिए, स्कार्प का एक पार्ट था, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया है, वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप वहां पर जाकर देख लेना। तो ये स्ट्रिप्स मैं आपको ऐसे, देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी उल्टी उल्टी सिलाइयां हैं जो बनाते जाते जानी है। स्ट्रिप की हमने जो है लेंथ बना लेनी है, ऐसे हमने इसकी जो लेंथ है अपने अकॉर्डिंग बनानी है। जितनी भी आपको जे अगर ज्यादा लंबी चाहिए हो, अगर आपको ज्यादा लंबी चाहिए तो आप ज्यादा लंबी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी जो लंबाई है वो अपने अकॉर्डिंग बनानी है, तो मैं आपको बनाकर जो है बताती हूँ। देखिए, दोनों साइड से हमने ये उल्टी उल्टी बनानी है, ध्यान रखिए। मैंने इसमें 12 स्टिचेस डाले हुए, हमने जो अपनी स्ट्रिप है वो 9 इंच बना ली। आप अपनी अकॉर्डिंग इससे लंबी भी बना सकते हैं, इससे छोटी, जैसे इसमें जैसे दो कलर डाले हैं, आप जो स्ट्रिप को बनाने के लिए भी डबल कलर यूज कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने, देखिए, इसको थोड़ी ज़्यादा चौड़ी बनाया है, इसलिए मैंने इसमें 12 स्टिचेस डाले हैं। आप इसमें 10 या 8 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए देखिए, इसकी सीधी साइड, इसके जो स्टिचेस हैं वो बढ़ाने हैं। देखिए, यहाँ से ये लूप उठाई हमने, ये एक स्टिच हमने बढ़ा लिया, तो अब हमने इसको उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए, नीचे से उठानी है हमने लूप, तो फिर आगे हमने जो बाकी वाले स्टिचेस हैं उनको ऐसे बनाते जाना है उल्टे उल्टे। देखिए, अब हम आगे हैं इसकी उल्टी साइड, तो हमने उल्टी साइड इसकी उल्टी सिलाई ही डाल देनी है पूरी। देखिए, फिर इसकी सीधी साइड हमने यहाँ से, देखिए यहाँ से हमने यहाँ से एक स्टिच उठाना है नीचे से, देखिए यहाँ से ऐसे, तो इसको हमने बना देना है उल्टा। बाकी सिलाई हमने फिर ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाते जाना है। देखिए, अब हम आ गए हैं उल्टी साइड, तो हमने उल्टी सिलाई, तो मैंने आपको पहले बताया है कि पूरी उल्टी बना देनी है, तो हमने ऐसे बस इसे उठाते जाना है, यहाँ से डाल लेना है स्टिच, तो फिर इसको हमने बना लेना है। देखिए, पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है, ये हमने सीधी साइड उठाना है, और जो उल्टी साइड है हमने वो पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। देखिए, ऐसे स्टिच हमने तब तक बढ़ाते जाना है जब तक हमारी जो ये वाली साइड है स्कार्फ की, देखिए, सेंटर से लेके यहाँ नीचे तक एक साइड हमारी जो कंप्लीट नहीं हो जाती। देखिए, एक साइड यहाँ से सेंटर में से यहाँ तक नीचे तक एक साइड हमारी जो कंप्लीट होने तक हमने इसको, देखिए, ऐसे अटैच करना है यहाँ पे, यहाँ से ये इतना हमारा जो पार्ट है वो हमने बढ़ाते जाना है स्टिचेस, तब जब तक हमारा जो इतना पार्ट नहीं बन जाता। तो चलिए, बस हमने इसको ऐसे ही बनाना है, तो हमारे जो स्टिच हैं जो वो एक बढ़ता जाएगा हर सिलाई में। तो जो हमारी उल्टी साइड है वो सिलाई हमने ऐसे उल्टी ही बना लेनी है पूरी के पूरे, बस ऐसे ही हमने बढ़ाते जाना है जब तक हमारे वो स्कार्फ की दूसरे पार्ट की जो पूरी साइड वाली है वो नहीं बन जाती इसके बराबर की। तो चलिए, फिर मैं बनाकर आपको आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है स्ट्रिप से लेकर और ये वाला पार्ट मैंने बना लिया है। देखिए, ये देखिए, हमने स्कार्फ का जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा स्कार्फ है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमने इसका हाफ पार्ट है जो इससे अटैच करना है ऐसे। ये देखिए, ये हमारा
हाफ पार्ट तक है, वो देखिए आ रहा है प्रॉपर। इसके बाद हमने इसको बढ़ाना नहीं है, अब स्टिचेस को दो सिलाइयां हमने ऐसी उल्टी उल्टी बना लेनी है, ना कोई स्टिच को बढ़ाना है हमने, ना ही किसी भी स्टिच को कम करना है। तो बस ऐसी हमने दो सिलाइयां बना लेनी है, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा जब पूरा आ गया उसके बाद हमने स्टिचेस बढ़ाने बंद कर देनी है और उल्टी उल्टी दो सिलाइयां ऐसी डाल लेनी है। तो दो सिलाइयां मैंने डाल ली हैं, उस सारे स्कार्फ की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से तिरछी साइड से इसको नापना है। देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्टिचेस हैं वो 49 आए हैं इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। हमने स्टिचेस को नहीं देख के चलना, हमने अपनी इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग चलना है कि लेंथ हमारी इससे पूरी आती है। तो हमारी लेंथ जो प्रॉपर आ रही है, अब हमने दो सिलाइयां जो बीच की डाली हैं उसके बाद हमने इसको जो स्टिचेस हैं उनको अब घटाना शुरू करना है। देखिए हमने जहाँ से बढ़ाया था अब हमने हमने सीधी साइड दो का एक करना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए दो का एक किया, फिर पूरी सिलाई है जो हमने ऐसी उल्टी उल्टी बना लेनी है। यही हमने सीधी साइड से है जो दो का सॉरी एक किया है। तो अब हम आ गए हैं उल्टी साइड। उल्टी साइड की जो पूरी सिलाई है हमने ऐसे ही डाल देनी है, इसमें कुछ भी हमने कम ज़्यादा नहीं करना। ये हमने अपनी उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। अब फिर हम आ गए अपनी सीधी साइड। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। तो सीधी साइड से अब हमने क्या करना है, फिर दो स्टिच है जो अपने यहाँ से देखिए दो का एक कर देना है, हमारे जो घटते जाएंगे स्टिचेस। फिर हमने पूरी सिलाई को ऐसे उल्टी बना देना है, सारी सिलाइयां रिपीट करते जाना है। जिस साइड हमने बढ़ाने शुरू किए थे स्टिचेस उसी साइड से हमने ऐसे हर सीधी सिलाई पे ये दो स्टिचेस हैं जो कम करते जाना है और बाकी पूरी सिलाई को ऐसी उल्टी बनाना है। और हमने उल्टी साइड पूरी सिलाई ही उल्टी डालनी है, उसमें कुछ भी हमने कम ज्यादा नहीं करना। तो हमने तब तक ये सिलाइयां बनानी है जब तक हमारा ये स्टिचेस हैं जो 12 नहीं रह जाते। स्टिचेस कम करते करते इतना पार्ट आगे और बनाना है, जैसे हमने ये बढ़ाकर बनाया है ऐसे हमने कम करके इसके जितना ही पार्ट आगे और बनाना है। जब हमारे 12 स्टिचेस रह जाएंगे ये यहाँ तक, फिर हमने ये 9 इंच की जो स्ट्रिप है उधर की साइड भी बना लेनी है। तो अब आपको मैं पूरा कंप्लीट कर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने ये वाला अपना पार्ट भी स्कार्फ का बनाकर कंप्लीट कर लिया है, अब हमने इसको सिलना है। देखिए अब हमने इसको सिलना कैसे है। देखिए हमने इसको यहाँ से हमने ये बढ़ाने शुरू किए थे सीधी, इसकी भी सीधी साइड और इसकी भी सीधी साइड लेके हमने ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर वाले पार्ट तक हमने ऐसे रख लेना है। हमने इसको यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है, फिर हमने इसको यहाँ तक सिलना है। देखिए हमने इसकी भी सीधी साइड और इसकी भी सीधी साइड लेके दोनों को हमने अटैच कर देना है। हमने यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है, यहाँ से हमने इसको पक्का करना है, इसलिए हमने यहाँ से दो तीन बार जो हमारी सुई है वो निकाल लेनी है और टांका हमने ऐसे इसका लगाना है। तो अब देखिए हमने मैं आपको बता दूं कि कैसे सिलना है। ये ऊपर वाले जो स्टिचेस हैं इन्हीं को हमने लेकर सिलना है, ये ऊपर वाले स्टिचेस लेकर यहाँ से भी ऊपर वाले। तो हमने यहाँ से ऐसे अपनी जो सुई है वो निकाल लेनी है, फिर हमने ऐसे इसको ऐसे नहीं खींचना, हमने इसको ऐसे खींचना है। अब हम हमारा जहाँ पर धागा जहाँ पर हमने पहले टांका हमारा भरा था वहां से हमने फिर सुई निकाल लेनी है अपनी। देखिए ऐसे फिर हमने इधर से फिर टांका भरना है, फिर हमने जहां पर हमने पहले हमारा टांका खत्म होता है वहां से हमने दोबारा सुई बैक ले जाकर हमने जो सिलना है इसको सिलना है। ऐसे हमने इसके जो है इसको
अच्छी तरह से बनाना है। इसको हमने खींचना नहीं है ज़्यादा। अब देखिए, अब हमने ये धागा हमारा जहाँ पर है हमने पीछे से सिलना है और इस टांके से बाहर निकालना है यहाँ पर ऐसे। फिर हमने यहाँ से इसको निकालना है। फिर हमने इसको यहाँ से सिलना है ऐसे। बस ऐसे ही हमने इसको पूरे को सिल देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस स्कार्फ को सिलकर देखिए कंप्लीट कर लिया है और हमारा स्कार्फ कुछ ऐसा बन के आया है। देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग दी है। तो देखिए इसकी लास्ट लुक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमने ये स्कार्फ बनाया है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप इकट्ठे ही दोनों वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।